आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर पर नॉन खटाई बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी। बहुत ही खस्ता बन के तैयार होंगी, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो आइए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी को बनाना। सबसे पहले रखते हैं कोई एक बड़ा सा बर्तन, और फिर रखेंगे इसके ऊपर छलनी। अब इसमें हम डालते हैं 1 कप मैदा। तो इन सभी को जो हम छान कर ही डालेंगे, और डालेंगे 2 टेबल स्पून सूजी। अब इसी के साथ डालेंगे 2 टेबल स्पून बेसन। अब हम इन सभी को छान लेते हैं, इनको छानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको हमने छान के तैयार कर लिया, इसको हम साइड में रख देते हैं। फिर से एक बर्तन लेते हैं और इसमें भी हम लगाएंगे छलनी, और अब डालते हैं इस पर 1 कप चीनी पिसी हुई। 1 कप लेनी है, इनको हमें जो है छान लेना है। तो चीनी को हमने छान लिया है। अब जो है इसमें हम डालते हैं 1 कप रिफाइंड ऑयल। मैं यहाँ पर जो है रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ, आप चाहें तो घी या बटर में भी आप नॉन खटाई को बना सकते हो। अब जो है इसको हम अच्छे से बिस्कर की सहायता से बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे, एकदम फेंटेंगे। तो कम से कम इसको हम 2 मिनट के लिए लगातार इस तरह से फेंटते जाएंगे, ताकि जो है एकदम हमारा फ्लफी सा बन के तैयार हो जाए। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं। तो अब जो इसमें हम डालते हैं बेकिंग पाउडर, ये हमने लिया है 1 टीस्पून, इसको भी हम छान लेते हैं और फिर से अच्छे से फेंटेंगे 1 मिनट के लिए लगातार। एक ही डायरेक्शन में हमें इसको फेंटते जाना है। तो जो हमने चीनी और रिफाइंड ऑयल का अच्छे से फेंट लिया, तो इसमें हम डालते हैं अब कार्डिमम एसेंस। मैं यहाँ पर जो है इलायची की एसेंस का यूज कर रही हूँ, आप चाहे पाउडर करके भी डाल सकते हो इलायची जो हरी वाली होती है। अच्छे से मिक्स करके अब जो इसमें हम डालते हैं जो सूजी मैदा और बेसन का मिक्स था वो डालेंगे, और अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे। तो इसका जो हमें एकदम डो बना लेना है मुलायम सा। इसमें बिल्कुल हम पानी ना दूध बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, इसी से हमारा डो है जो लग के तैयार हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ा सा ये अगर गीला या सूखा लगे, अगर जो गीला लगे थोड़ा सा आप मैदा को बढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो है नॉन खटाई आज अवन में बनाऊंगी। तो जो है मैंने यहाँ पर लिया है बेकिंग ट्रे अवन वाली, इसको हम अच्छे से ऑयल या ग्रीस ग्रीस कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर लगाएंगे हम बटर पेपर, उसी साइज का हम इतना कट कर लेंगे। फिर अब जो ये बटर पेपर है इसके ऊपर भी हम अच्छे से ऑयल लगा देते हैं। तो देखिए हमने जो है डो तैयार कर लिया है। अब जो है इसकी हमें छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है, और ये जो है फूल भी जाते हैं तो काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। तो देखिए हमने यहाँ पर बना लिए हैं, और जो है अभी डो काफ़ी बचा हुआ है, तो इसकी हम जो है दूसरी बाद में बनाएंगे। पहले इसको जो हम अवन में बेक कर लेते हैं। तो अब जो इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाकू से इस तरह कट का निशान बना देते हैं, इससे जो है देखने में भी बहुत ही अच्छी लगते हैं। तो देखिए हमने इस तरह कट का निशान बना दिया है। तो चलिए इसको हम बेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 मिनट पहले ओटीजी अवन को प्रीहीट होने के लिए छोड़ दिया था। 10 मिनट हो गए हैं, और इसमें जो अब हम ट्रे रख देते हैं, और इसको हमने 180 डिग्री सेल्सियस पर कर रखा हुआ है। और फिर से इसमें हम टाइमर लगा देते हैं 15 मिनट का। 15 मिनट में हम
ये हमारी जो है नॉन फ्राई बेक हो जाएगी। और रॉड मैंने ऊपर की और नीचे की दोनों ही ऑन रखी हुई हैं। तो 15 मिनट हो गए हैं और जो है जो हमारे नॉन फ्राई बेक हो गई है। आपको जो अंधेरा आ रहा होगा क्योंकि जो अवन की अभी लाइट है ख़राब हो गई है इसलिए, तो चलिए इसको हम बाहर निकाल कर आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हो आप बहुत ही अच्छे से हमारी जो है नॉन खटाई बेक हुई है और अभी ये गर्म है तो गर्म में ही इसको मैं निकाल रही हूँ क्योंकि जो है दूसरा वाला भी नॉन खटाई रखनी है। तो देखिए गर्म है इसलिए थोड़ी हम छुटा रहे हैं चाकू से क्योंकि गर्म है इसलिए, और ठंडी होकर के तो ये अपने आप ही छुट जाएंगी। बहुत ही खस्ता बनी हुई है तो इसको जो हम छुटा लेते हैं। तो देखिए सारी नॉन कटाई को हमने छुटा लिया है। अब जो है दूसरी बार की भी हम नॉन कटाई को बना लेते हैं। देखिए कितनी खस्ता बनी हुई है और बिल्कुल भी अच्छे से बेक हो गई है। तो लीजिए बन के तैयार हो गई हमारे सारी नॉन खटाई। देखिए देखने से आपको पता चल रहा होगा कितनी ज़्यादा खस्ता बनी हुई। मैं आपको एक टूर कर भी दिखा रही हूँ, बहुत ही खस्ता बनी हुई है और खाने में भी बहुत ही अच्छी हैं। तो इस तरह आप एक बार ट्राई करके भी देख सकते हो। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अच्छी सी न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ, अब तक के लिए बाय बाय।